रहमान रहीम और जिला सरकार ने रजीम माय सैयद रोशन फजली सीनियर कांग्रेस आई लीडर हयात लेके चलो कायनात लेके चलो चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। मैं प्रेसिडेंट तेलंगाना स्टेट प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम साहब से यह ख्वाहिश करूँगा कि वो ये इलेक्शन में इन उम्मीदवारों को टिकट दीजिए जो पार्टी के एक अन्ना वर्कर क्यों ना हो और चाहे वो पार्टी का वफादार हो। आज मैं 35 साल से कांग्रेस की बिला लिहाजा खिदमत करते आ रहा हूँ, कभी कोई पोस्ट का ख्वाहिश नहीं करा हूँ, ना कभी सीट के लिए दरखास्त दिया हूँ। लेकिन कांग्रेस को भी सोचना चाहिए कि कौन टिकट के हकदार है, वो इंक्वायरी करा के टिकट दे सकते हैं। एरिए वाली इंक्वायरी कराओ और एरिए में मालूम करें कि कोई किसके पार्टी का है। आने वाले जो आते जाते फिर फट जाते, लिहाजा पार्टी का आलम क्या हो रहा है सोचने की बात है। आज हमको सब मिलकर काम करना चाहिए। पार्टी का विकार को बरकरार रखना है तो हक्का साथ दीजिए। पार्टी के वफादार वर्कर क्यों न रहे, गरीब हो या मुस्तैद हो या पैसे या दौलत की जरूरत नहीं है। सिर्फ पार्टी के नाम पर टिकट लड़ने वालों को वोट देकर हारे हम नहीं, लेकिन उनकी खिदमत पार्टी ने लेना चाहिए। हमको सोच कर टिकट के लिए और कांग्रेस वर्कर के लिए हिम्मत बढ़ाइए। उनसे आखिरी ख्वाहिश है कि अब टिकट जो दे रहे हैं उम्मीदवारों को सोच समझ के टिकट दीजिए। जो अपने घर में बैठकर सिर्फ एक ही तबके को लेकर काम करने के लिए कोई भी नहीं, क्योंकि इलाका बड़ा है, इलाके में हर गली कुर्सों में हर पोलिंग बूथ पर उनको पहचानना चाहिए। नाम तो ऐसा डिक्लेयर हो जा रहे हैं कि कोई जानता ही नहीं, ऐसे नाम डिक्लेयर हो रहे हैं। मैं खुद पहचान रहा हूँ नाम सुन के जो इलेक्शन में डिक्लेयर कर रहे हैं। लिहाजा उन पर एहतियात कीजिए, उनका बीच माम मत दीजिए और जो पैसा इशू कर रहे हैं वो पार्टी के सीनियर कैंडिडेट या MLA जो सीनियर है उनके हाथ में देकर इलेक्शन लड़ाइए। इलेक्शन सिर्फ पैसे के लिए नहीं होता, नाम के लिए होता है। पार्टी का नाम बदनाम करें पैसा लेके खड़े भर जा रहे हैं। ये फरशोरी साहब, जैसा कि आप 35 साल से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, ये साल आप ऐसा देख रहे हैं कि नए युवा बच्चों को मौका दे दे रहे हैं, ये आप में ऐसा चल रहा, तो डबलपुरे की जो सीट है डबलपुरे की, उसके सही माने में हकदार कौन है? एक आप अपने से बताइए कि डबलपुरे की सीट के सही माने में हकदार कौन है और किसको देना चाहिए, बोलिए। देखिए जी, हकदार तो सीनियर के लिहाजा तो मैं ही था, लेकिन मैंने दरखास्त नहीं डाला। लिहाजा इसके बाद अब नंबर आता है एक दफा तो अस्करी बेग लगी है। अब एक और एक है जो अपने हैदर जाफरी जो अपने टिकट डाले हैं उनके सलायत है, उनको टिकट देने के लिए हम उनकी तारीफ करते हैं, उनको टिकट दे सकते हैं क्योंकि वह हकदार है। ऐसे उम्मीदवार को लड़ाइए और जो आवाम में उनको जानते हैं, आवाम पहचानती है, लिहाजा अब वो तमोरी साहब का काम है कि सोच समझ के टिकट दीजिए। गुज़िश्ता सालों में मोहम्मद गौस एक MIM पार्टी का बहुत बड़ा नाम हुआ करता था, लेकिन कांग्रेस ज्वाइन करे उसके बाद फिर MIM वापसी कर चुके। उनकी नाराज़गी है कि उनके पास बच्चे को टिकट नहीं दिए, यानी उनको भी मतलब कोई ओहदे से नहीं नवाजा गया कांग्रेस पार्टी में, उनकी भी काफ़ी सारी खिदमात है उनमें, ऐसा चल रहा, तो आप इनके ऊपर कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, ये पार्टी में खानदान की पार्टी नहीं है, ये पार्टी आवाम की पार्टी है। हर कोई अगर चाहेगा कि मेरे भतीजे को दे दो, मेरे खानदान के मामू को दे दो, मेरे बेटे को टिकट दे दो, पार्टी ऐसा नहीं सोचती। लिहाजा पार्टी में जो समंदर है, समंदर में एक दो मछली आकर अगर गंदा करके भाग गए तो फर्क नहीं पड़ेगा। पार्टी इंटरनेशनल पार्टी है, एक समंदर है जो दस्तूर के जो इतने सालों से हुकूमत की है हुकूमत देश के ऊपर, उनको हर चीज़ मालूम है। लेकिन यहाँ के माहौल जो तेलंगाना के माहौल जो बिगड़े हैं, ये इधर उधर के जो पार्टियाँ आकर एक समंदर में गंदा पानी करके चले आते हैं, उनके वहाँ से पार्टी के हालात बदले हुए हैं। लिहाजा कांग्रेस का दस्तूर ये है कि हकदार को टिकट देना चाहिए। अब इनको दे दो, उनकी सिफारिश नहीं चलने वाली है, इसीलिए ये लोग पार्टी में आके पार्टी को गंदा करके चले गए हैं। मगर कोई बात नहीं, पार्टी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं प्रेसिडेंट कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार साहब MP जो तेलंगाना के सदर कांग्रेस है, उनको पुराने शहर के हालात नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने जो टिकटों के नाम डिक्लेयर कर रहे हैं उनकी सुपारी पर जो बंद कमरे में मीटिंग कर रहे हैं, लिहाजा वो ऐसा करना चाहिए था कि दरुपुरे के और चार मीनार हल्के, याकूबपुरा हल्के के तमाम जिले कायदीन को एक मीटिंग कॉल कर
उसको में से चुनना चाहिए था। जैसा एग्जाम लेते हैं स्कूल में बच्चों के लिए, ऐसी आप एग्जाम्पल बुलाकर नामा दिखले करना चाहिए था, लेकिन ये नहीं देखा जा रहा है कि यहाँ पर सिर्फ एक बंद कमरे में जो खुफिया अंदाज में टिकट दिया जा रहा है, यह बहुत नाइंसाफी है। उनको चाहिए कि आइंदा इलेक्शन में एहतियात करना चाहिए और तमाम और सिटी के मेंबर हो या वर्कर हो या मामले की रिक्शा वाला क्यों ना हो, उसको भी बुलाना चाहिए, क्योंकि पार्टी का दस्तूर है हर गरीब की खिदमत करेंगे, हर मुसीबत के साथ देंगे। लिहाजा ऐसा नहीं हो रहा है, आइंदा सोच समझ के टिकट डिक्लेयर करना चाहिए। उनको यह ख्याल आना चाहिए कि और सिटी के हालात क्या है। अब इंचार्ज बनाए सफीर साहब को, सफीर साहब को कामारद्दीन साहब को फुर्सत नहीं है, सिर्फ सिकंदराबाद के एरिया मालूम, और सिटी में कौन कैसा है नहीं मालूम, सिफारिश पर टिकट देने की कोई जरूरत नहीं है। लिहाजा सफीर साहब से बोलिए, रिमांडर साहब को बोलिए, फरीद फारूक फेरोज खान के पास जाके नुमाइंदगी करिए, टिकट नहीं, मैं देखा जा रहा है कि टिकट ऐसे ही इशू पर दिया जा रहा है, फल आदमी बोल दिया टिकट दे दो, मगर की कोई आवाम में खिदमत नहीं है ना आवाम जानती है। लिहाजा हमको सोच समझ के ख़त्म कराना चाहिए इलेक्शन में और कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए। खुदा हाफिज़।